और आपको पता है पाकिस्तान में सबसे सस्ती गाड़ी कितने की है? पता है मेहरान वहां पे 16 लाख रुपए की ना शायद, कुछ पांच छह मेहरान? नहीं, लाख मेहरान तो बंद हो गई भाई। अब आल्टो अच्छा आती है, जो बंद नया मॉडल का जो आल्टो आया ना भाई, वो 28 लाख रुपए की गाड़ी है। आल्टो, 28 लाख ऑल्टो सेकंड हैंड आपको 60,000 रुपीज में, यहाँ ऑल्टो 4-5 साल चले गए तीन बड़ी चार बात साल है चले यार। गए ऑल्टो और आल्टो जो वो है सुजुकी। गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई आज हम देखने जा रहे हैं मुजम्मिल कुरैशी भाई की वीडियो है, जो कि भाई एक इंडियन भाई से इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसका वीडियो का टाइटल है माई फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, रियलिटी ऑफ इंडिया बाई इंडियन मुस्लिम। तो सुनते हैं, आगे आफ्ताब भाई हैं तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। यहाँ पे उल्टा है सर मुजम्मिल भाई, के इंडिया में जब जब अच्छा। रमजान आता है तो चीजों चीजें जो भी है, फल फ्रूट जो भी मेनली जो भी चलता है अब इफ्तार में, आपको पता होगा सारी चीजें सस्ती हो जाती है, क्योंकि हमारा जो डिवीजन हुआ था, पाकिस्तान जो अलग हुआ था, शुक्राना नमाज पढ़ना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तान नहीं गए। ये क्या बातें कर रहे हो यार, यहाँ के लोग तो कहते हैं भाई के, वो कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। तब भाई आप बताइएगा कि कितना जुल्म होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में थोड़े पर्दे उठाइएगा। सच से कभी हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। जुल्म नबी ने कहा है कि जो जहां जिस देश में रहते हो, जो जिस भी देश में रहते हो, तो पहले देश आना चाहिए, धर्म बाद। तो मेरे लिए मेरा कंट्री पहले, बाकी इस्लाम बाद। बहुत जबरदस्त यार, जो कि इंडियन से ताल्लुक रखते हैं, इंडियन ओरिजिन से है गाइस। गाइस आज मेरे सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मुस्लिम से। गाइस ये इंडिया के अंदर है तो पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों ने, मैं इंट्रोड्यूस करने जाता हूँ, आफ्ताब भाई मेरे वीडियोस तो देखते ही होंगे, उसके मुताबिक यहाँ पर लोगों के जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं इंडिया को लेकर, इंडिया के लोगों को लेकर, वो कुछ इस तरह के हैं कि आफ्ताब भाई को बेहतर पता होंगे। तो क्या मैं इनसे पूछूंगा कि क्या वाकई में ही आप लोगों के साथ इतना ज्यादा होता है जितने कि यहाँ अगर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग समझते हैं, क्या होता क्या नहीं होता, विदाउट टाइम वेस्ट किए आफ्ताब भाई की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले तो आफ्ताब भाई अपना आप तारुफ करवाइएगा हमारी ऑडियंस को, क्या आप इंडिया में क्या करते हैं, आपकी आवाज क्या लिविंग के लिए, देने के लिए क्या करते हैं? हेलो आफ्ताब भाई तो गायब हो गए। मुजम्मिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, कनेक्ट आफ्ताब भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? पाकिस्तान ये आफ्ताब भाई सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को ना, हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम आफ्ताब हसन है, मैं इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ और फिलहाल मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा खुद का पेट्रोल पंप है, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे यहाँ पे इंडिया में। जबरदस्त यार, कुछ ठीक है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। ये बात दोबारा बोलिएगा, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। और इंडिया से बेहतर कंट्री कोई नहीं है, सारी दुनिया में ही बिचड़ गई। अबे यार ये क्या बोल रहे हो यार, आप सच बता रहे हो? इंडिया यार यहाँ हमारी पब्लिक की वीडियोस तो देख, वीडियोस में देख, और मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो कहते हैं कि यार इंडिया में इक्वलिटी नहीं है, वहां पे लोगों पे बड़ा जुल्म है यार। ये देखो कि इंडिया में रहते हुए आप रोटी हरामी पढ़ रहे हो। ये गार्ड साहब हैं पाकिस्तान से, मेरे फ्रेंड हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे ठीक है सलाम, यहाँ पर सिर्फ हिंदी पढ़ाई होती है यहाँ पे। पाकिस्तान की जो सिनेरियोस आप देख रहे हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, उस चीज से आपने क्या पॉइंट आउट किया, हमने पाकिस्तान को अलग करवाकर अच्छा किया या बुरा किया? तो उनके वो कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, तब भाई आप बताइएगा कि
कितना जुल्म होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में थोड़े पर्दे उठाएगा सच से। कभी हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है जुल्म क्या। हम लोग बहुत प्रॉस्पेरस है यहाँ पे, बहुत प्रॉस्पेरिटी देखी है, बहुत डेवलपमेंट देखा है, बहुत तरक्की देखी है, सब लोग खुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है कहाँ पे। और जहाँ तक थोड़ा बहुत है भी तो वो हर जगह, आपके यहाँ बालूचिस्तान कोई जगह है वहाँ पे भी है, आप लोग अहमदिया मुसलमान है उनके साथ भी होता है, तो छिटपुट तो हर जगह पे है। तो हम पाकिस्तान को बुरा नहीं कर सकते ना उस पर, उस बात को लेके कि भाई सारे मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये तो गलत है ना। ओवरऑल क्या भाई, क्या रोजे रखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं रोजे में हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मेरा भी रोजा है। तो अच्छा, कैसे जा रहे हैं रोजे? ठीक है, अच्छा है, महंगाई नहीं है उतनी, गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है। इसी तरफ ही आ रहा था मैं आपके, मेरी मुंह की बात आपने छीन ली। तो रोजों में क्या थोड़ी सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से चीजों के ऊपर, थोड़ा रिलीफ जैसे के होता है? यहाँ पर जब रमजान आता है तो चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, हमारे खरीदने के एक पॉइंट से ज्यादा ऊपर चली जाती है कि जो हम खरीद नहीं पाते। तो आप बताइएगा कि वहां पर अगर रमजान जब आता है, रोजे आते हैं, तो क्या सब्सिडी देती है गवर्नमेंट? यहाँ पे उल्टा है सर मुजम्मिल भाई, कि इंडिया में जब जब अच्छा। रमजान आता है तो चीजों चीजें जो भी है, फल फ्रूट जो भी मेनली जो भी चलता है इफ्तार में, आपको पता होगा सारी चीजें सस्ती हो जाती है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ ना हो। और गवर्नमेंट खास तौर पर नजर रखती है कि भाई रमजान आ रहा है, चीजों के सामान जो प्राइसेस है ऊपर ना जाए नीचे, मतलब ताकि गरीब तबका जो है वो भी उस चीज को अफोर्ड कर पाए। बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। आई अप्रिशिएट दैट गवर्नमेंट कि वो इतना सोचती है पब्लिक का। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई जुल्म होता है मुसलमानों के साथ इंडिया में, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आपसे पहले भी सेशन से पहले भी बात हो रही थी, मैंने कुछ दिखाया था आपको, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा वही चीज। आप देखिए यहाँ इस तरफ, ये पूरी आबादी मुसलमानों की आबादी, और कोई भी आपको एक सिंगल मंजिला मकान नहीं देखने को मिल रहा है, तीन मंजिले या चार मंजिलों का। इतनी बेइज्जती भाई, वीडियो कॉल। एयरपोर्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल, पटना एयरपोर्ट है यहाँ पे। अच्छा, आप कौन सी एरिया से? अभी मैं पटना में हूँ, बेसिकली फ्रॉम गैंग। अभी आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर देखी, मैं वहाँ प्रॉपर वहाँ का हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल पटना में हूँ। तो मुसलमान की आबादी वासेपुर में भी बहुत बड़ी आबादी, 10 लाख 12 लाख की आबादी, एक साथ हम लोग मिलकर रहते हैं। और वहाँ बीच बीच में दो तीन हिंदू भाई होंगे तो होंगे, बाकी सारे ही मुसलमान हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे, हम लोगों के साथ जुल्म होता, हम लोगों को मारा जाता, पीटा जाता, तो मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, मेरे पास पेट्रोल पंप। आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा बीसीसीएल में थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और बहुत प्रॉस्परस लाइफ जी है लोगों ने यहाँ पर। और मेरे और एक चीज और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे फोर फादर्स जो डिवीजन हुआ था, पाकिस्तान जो अलग हुआ था, शुक्राना नमाज पढ़ना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तान नहीं है, इंडिया में। भाई ये क्या बातें कर रहे हो यार, यहाँ के लोग तो कहते हैं भाई शुक्राना अदा करना चाहिए कि उन लोगों के दिमाग में कीड़ा नहीं आया कि हमको पाकिस्तान जाना चाहिए और अलग एक मुस्लिम देश बनेगा, हम लोग वहीं चले जाते, वहीं बसेंगे, वहीं रहेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के अल्लाह ताला के कि भाई हम लोग इंडिया, उनको दिमाग में ये कीड़ा नहीं काटा कि हम लोग अलग चलो डाइवर्ट होते हैं बांग्लादेश की तरफ या पाकिस्तान की तरफ, भाई अलग हो गया, कंट्री अलग बट गई, बंटवारा हो गया। हम लोग बहुत सेफ है सर यहाँ, द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज इंडिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है आपको। द सेफेस्ट, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बातें कर रहे हो भाई आप। हमारे नबी ने कहा है कि जो जहाँ जिस देश में रहते हो, जो जिस भी देश में रहते हो, तो पहले देश आना चाहिए, धर्म बाद। तो मेरे लिए मेरा कंट्री पहले, बाकी इस्लाम बाद में सर। ये लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ के बना हुआ है, वो हर चीज से पहले अपने मुल्क को रखते हैं, आप लोग अपने देश को रखते हैं। आप मेरे पापा से भी यही क्वेश्चन पूछना कि आपके लिए देश पहले या रिलीजन या इस्लाम, मेरे पापा भी यही बोलेंगे पहले इंडिया बाद में कुछ। अच्छा, मेरी वाइफ से भी आप पूछो, मेरी वाइफ भी यही बोलेगी पहले इंडिया बाद में कुछ। अच्छा, वी लव इंडिया यार।
वो तो भाई आप लोग का बनता भी है, जितना को आप मोहब्बत कर रहे हैं उतना इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के लोग आपको बाउंस बैक कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग को सपोर्ट मिलती है वर्ल्ड वाइड के अंदर देखने को चीज मिलती है। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड के अंदर हिंदू का नाम तो है नहीं, सबके लिए इक्वलिटी है, तो आप लोगों ने क्या नहीं कहना भाई। अब देखिए पाकिस्तान की जो सिनेरियोस आप देख रहे हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, उस चीज से आपने क्या पॉइंट आउट किया, हमने पाकिस्तान को अलग करवाकर अच्छा किया या बुरा किया? सर अगर हम लोग आज एक होते तो शायद बाबर आजम हमारी टीम से खेल रहा होता, हमारे साइड होता, शोएब अख्तर हमारे साइड होता, तो कोई हम लोग हर बार वर्ल्ड चैंपियन हम ही लोग होते कोई होता मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, जिस तरह से हमने अलादा वतन लिया, आप लोगों को, आप लोगों से हम अलग हुए, तो हमारा डिसीजन आपको लगता है कि सही था या गलत था? बहुत गलत, गलत था सर। अच्छा मतलब आप क्या देखते हो पाकिस्तानियों को, एज अ पाकिस्तानी नेशंस को, एज अ मुस्लिम ब्रदर ब्रदरहुड कैसे देखते हो आप? मैंने पहले भी आपसे कहा, सेशन स्टार्ट होने से पहले भी मैंने कहा कि दैट आई लव पाकिस्तानी पीपल, अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ के लोग भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, यहाँ के लोग भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग भोले बहुत है सर, मासूम जैसे कहते हैं ना, इनोसेंट, हाय हाय हाय, लगाओगे लग जाएंगे। मेरी आप वीडियो देखेंगे, कई लोगों की, बहुत सारे लोगों की मैंने करेक्शन की है, मैंने करेक्शन इस बात पर की है कि वो लोग जो समझते हैं कि इंडिया में मुसलमान बड़े तंग है, बड़ा जुल्म होता है, मैंने जब उन लोगों को बताया कि भाई आप कश्मीर की मिसाल ले लो, कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट देखो कि इंडिया कितनी कर रहा है, एक इंसान क्या चाहता है, डेवलपमेंट ही चाहता है ना सर, जब वो उनको उधर से मिल रही है तो उनका देश उनका ही है, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, एक्चुअली सर बात ये नहीं है, आपकी गवर्नमेंट में ही खराबी है सर, पब्लिक तो सब मेहनत करना ही चाहते हैं, सब लोग मेहनती हैं वहाँ के, मैं कोई कभी यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, वीडियोस मिलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वहाँ पे बाल्टी बना रहे हैं, वो केबल वायर्स बना रहे हैं, तो लोग तो वैसे ही जैसे इंडिया में, लेकिन मेन आपका जो गवर्नेंस है, जो सरकार चला रहे हैं वो सही नहीं है सर, उनको चाहिए पहले अपना पेट भर जाए फिर बाद में देखेंगे अपना भर। क्या आप अपने उसका विजिट करवाएंगे हमें, जो पेट्रोल पंप है उसका विजिट भी करवा दें, और थोड़ी डेवलपमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी डेवलपमेंट भी दिखा दें हमारी ऑडियंस को, ताकि पता चले कि हमारी ऑडियंस को कि भाई जो इंडिया में मुस्लिम है उनके पेट्रोल पंप भी है वहां पर, बड़े भीड़ लोग भी रहते हैं मुसलमान, ये हमारा सारे रिलेटिव का घर है, ये यहाँ पे गाड़ियां लगी हैं आप देख सकते हो अंदर, यहाँ पे आपकी गाड़ियां लगी है, कितनी कितनी मालियत की गाड़ियां? एक तो है, आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास तो स्कॉर्पियो है महिंद्रा की, हाँ फेवरेट मेरी स्कॉर्पियो और थार, महिंद्रा थार मेरी फेवरेट गाड़ियां दोनों, थार तो नहीं है सर, एक एंडेवर है मेरे पास, नीचे लगी है एंडेवर टोयोटा की, एक फोर्ड की एंडेवर यहाँ नीचे लगी है वहां पे ब्लैक रंग की वो, दिख रही है। तो क्या मालियत है यहाँ? अच्छा आप सस्ती से सस्ती गाड़ी कितने की है वहां पे इंडिया पे? देखिए i10 जो सबसे बेहतरीन गाड़ी i10 हुंडई की i10 आपको 3.5-4 लाख रुपए में ऑन रोड आ जाए। हाँ। अच्छा 3.5-4 लाख रुपए की यार ऑन रोड आ जाती है यहाँ पे। और आपको पता पाकिस्तान में सबसे सस्ती गाड़ी कितने की है? पता है मेहरान वहां पे 16 लाख रुपए की ना शायद, मेहरान नहीं, मेहरान तो बंद हो गई भाई, अब अल्टो आती है, जो नया मॉडल का जो अल्टो आया ना भाई, वो 28 लाख रुपए की गाड़ी है। 28 लाख अल्टो, अल्टो सेकंड हैंड आपको 60,000 रुपीज में यहाँ अल्टो 4-5 साल हमारे इधर सुजुकी कहा जाता है, आप लोगों ने जो आप लोग की वहां पर होती है वो मारुति कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही।
अगर आप मजीद अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें हमारी ऑडियंस को, जो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में आपने मजीद कुछ भी सुना होगा, जो पब्लिक की तरफ से, पब्लिक की जो राय है वो अगर राय आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे, मजीद डेवलपमेंट अगर आप अपनी सिटी की दिखाना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, तो सर मैं हाजिर हूँ। आप दिखा सकते हैं मुजम्मिल भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे क्यों जुड़ा, इसके पीछे एक रीजन है कि दो चार दिनों से मैं एक एपिसोड देख रहा हूँ, इंडिया में ये होता है, मुसलमानों के साथ ये होता है, वो होता है, मुझे गुस्सा आया सर। सच बताओ। अच्छा। हाँ, मुझे गुस्सा आया कि ये क्या अफवाह है कि मुसलमानों पे जुल्म होता है। गलत बात है भाई, गलत बात है, गलत बात, किसी को बदनाम ना करें। नहीं होता जुल्म। आप दो तीन दिन के बाद मेरे को कॉल करना, मैं आपको अपना पंप भी दिखाऊंगा, मेरा एक हैवी मशीनरी चलता है वो दिखाऊंगा। हाँ। सब कुछ दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ पे गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ियां, ये एक तो अंकल की गाड़ी है, ये हमारी है, ये है हमारी, ये बहुत जबरदस्त यार, एस क्रॉस है, ये एस क्रॉस बहुत जबरदस्त है। अच्छा, बाइक है मेरी, ये बाइक, अच्छा ये बाइक कितने में ली थी आपने? होंडा सीबीआर है। हाँ, सीबीआर है। कितने में ली थी? 1.5 लाख रुपए की थी उस टाइम पर, 4-5 साल हो गया। हाँ। अच्छा, जबरदस्त। ये स्कूल है, हम लोगों का ही स्कूल है ये, यहाँ पे एंग्लो अरेबिक सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, ऐसा हो सकता है सर इंडिया में? सिर्फ पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग प्रॉस्परस है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये आप पढ़ लें, बहुत जबरदस्त है। सर मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो कहते हैं कि यार इंडिया में इक्वलिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों पे बड़ा जुल्म है। यार मैं हैरान हूँ, ये देखिए कि एक इंडिया में रहते हुए आप टोटली अरबी पढ़ रहे हैं। ये गार्ड साहब हैं पाकिस्तान से, मेरे फ्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ठीक, वालेकुम सलाम। यहाँ पर सिर्फ हिंदी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अरबी, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी सर, हिंदी पढ़ाई होती है। हाँ, हिंदी पढ़ाई होती है, अरबी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाई होती है। और कितने बच्चे हैं यहाँ? फारसी, 300 से ऊपर। फारसी भी पढ़ा रहे हैं सर, अभी पता चला, मुझे भी पता नहीं। फारसी। और ये मेन एंट्रेंस है सर, घर का मेन एंट्रेंस है। यार अगर एक बात मैं कहूँ, अगर अगर तारीख देखनी हो, अगर तारीख का मुतालिया कर रहा हो तो बंदा इंडिया का विजिट कर रहा है, खुद बहुत तारीख पे चला जाएगा। और फारसी का तो, फारसी का तो हमारे इधर कोई नामो निशान नहीं है भाई, मेरे जहां तक नॉलेज है। फारसी पढ़ाई होगी। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल आज मुजम्मिल भाई ने आफताब भाई से रब्ता किया, मुजम्मिल और आफताब का रब्ता, तो देखा भाई आपने, आज तो भाई जो आफताब भाई है ना, वो तो ऐसे बेरगड़ रहे थे, सुकून से, जैसे रगड़ा जाता है ना अगले बंदे को, मासूमियत के साथ। उन्होंने जो डेवलपमेंट अपना, उनके उन्होंने जो घर दिखाया भाई, ये कोनी इधर मुस्लिम रहते हैं, ये बस थोड़ी सी डेवलपमेंट है। और घर देखो भाई, मैं बोलता हूँ इतने इतने भाई घर बने, डबल ट्रिपल स्टोरी है। हाँ, और कारे देखे, मोटरसाइकिल देखे, तो वैसे आवाज निकल रही है। अगर किसी के पास डबल स्टोरी घर हो तो वो गरीब बंदे से सलाम ही नहीं लेता। लेकिन देख लो आफ्ताब भाई ने मुजम्मिल भाई से फिर भी रहता कर ली। आफ्ताब भाई है ना, इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में, इतने दिल है भाई उनके अंदर। लेकिन ये जो भाई जुल्म उन पर हो रहा है ना, यकीन करे ये जुल्म हमें चाहिए चाहिए भाई, चाहिए तो भाई मुजम्मिल भाई के ऊपर जुलम हो गया। जब कार का, हाँ भाई कार का जब बताया ना रेट भी, इधर 2.5 लाख में, इधर 2.5 लाख 2000 में से 7 हजार की मिल जाती साइकिल। क्या बात है, अब देखो ना यही एक चीज है जो छुपी हुई है, मतलब के जो के एक इधर भी बोल दे अनसीन इंडिया, अनसीन, वाकई भाई अनसीन इंडिया, नहीं इधर भी बोल, क्योंकि आप देखो ना पहले लोगों के अंदर इतना है कि एक न्यूज़ देखकर, एक पता नहीं किधर किधर से खबरें देखकर जहर भरा होता था कि लोग इस रास्ते पर चलते नहीं थे, मतलब की किसी से बात नहीं करना चाहते थे, यही बोलते थे कि आगे से जुल्म ही ना हो रहा। लेकिन
आप भाई लोगों का कुछ चीजें चेंज हो चुकी है, हम भी यही चीज चाहते हैं कि कम से कम लोग जो नॉर्मल बंदे हैं ना वो तो एक दूसरे से बात करें। अब भाई ये एक मुसलमान है, अगर भाई हमें तो हमारी तो भाई से गुजारिश है कि भाई कोई भाई एक हिंदू भाई से भी करे रब्ता, उनसे भी पूछे। उन्होंने बोला कि ना 12 लाख रहते हैं मुस्लिम इकट्ठी आबादी उनकी, और बीच में हिंदू भाई भी रहते हैं, मतलब ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने खुल के कहा है कि आप किसी भी हमारे मुझसे मेरी वाइफ से मेरे वालिद से पूछेंगे ना तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही कहेंगे कि हमारा जो है ना वो मुल्क सबसे पहले है, उसके बाद हमारा भाई मेरे आप देखो ना इतनी उनको हर चीज मिल रही है। हाँ। रमजान में हर चीज सस्ती है, हम सॉरी के सस्ती पर मैं आकर अटका हूँ क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो उधर नॉर्मल चीजें हैं, हमारे लिए बड़ी है क्योंकि हम इन चीजों से काफी फेस करना है। लेकिन जो जुल्म की बात है ना, देख रहा हूँ इंडिया एक थोड़ा सा नहीं है, काफी बड़ा मुल्क है, तो एक आधा वाकया हो जाता है भाई। ये इधर तो एक घर में आप मतलब कि हमने भाइयों की नहीं बनती आपस में, तो वो इतना बड़ा मुल्क है, एक चीज अगर हो भी जाती है तो उससे भाई बदनाम ही करना चाहिए। आप तब इकबाल की भाई की बात ठीक है कि उसका गुस्सा होना बनता था, क्योंकि वो 2-3 दिन से जैसे झूठ एक सुन रहा था, एक बंदे का भाई झूठ सुन सुनकर एक कंट्रोल एक मतलब के नहीं रहता दिमाग पक जाता है, पक जाता है। तो अब देखो भाई के चाचा के पास भी कार है, भाई के पास खुद भी कार है, अपना पेट्रोल पंप है भाई, मशीनरी भी कह रहा है भाई उनका है कि गवर्नमेंट है, ये देख लें भाई यार, ये जो है ना वो भी एक जस्ट लॉलीपॉप है कि वहां पे ये जो सीन बना रहे हैं ना कि मतलब उधर जुल्म हो रहा है, ये जिस तरह आप कह रहे वो कह रहे हैं कि ये हर माशरे में, तो हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, वही तो, हाँ? तो जितना जुल्म हो रहा है तो फिर आप तो जुल्म वो एक मतलब कि इधर अफ्रीका वाले मुल्कों पर नहीं हो रहा, हाँ? उन्हें भी मतलब एक दो मंथ सही आ जाती है, लेकिन इधर तो भाई मतलब के सही नहीं लेने देते। पिछला एक साल हो गया भाई जो हम देख रहे हैं दरमियान में 2-3, लेकिन भाई ने जो बात बोली है ना कि पूरी दुनिया घूम लो भाई, सेफ कंट्री आपको इंडिया मिलेगी, इधर हम सेफ हैं भाई, यकीन करें आज तो भाई दिल को छू लिया भाई उन्होंने, मैं तो भाई वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं भाई, तुम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा कौन सा वीजा लगवाना, बीमारी वाला, मेरे दांतों को पीड़ है वो जल्दी लग जाता बीमारी वाला, मैं भी चले जाना उधर भाई, कोई बहाना बनाओ, ये ठीक है बीमारी वाला भाई, चलो जाना भाई इधर, चलो ठीक है भाई, अब उम्मीद करते हैं कि आपको तुम्हारी हां भाई मजा आया, हां तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।